जैसे हमने ये बुल तो 7.5 लाख का लिया था, 7.5 लाख जी मैडम, ट्रैक्टर आ जाता है इतने में, गाड़ी आ जाती है एक अच्छी खासी, पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आज हम बहुत दूर चलकर आज जयपुर आपके फार्म पे आए हैं, बहुत सुना था आपके फार्म के बारे में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। तो मेरा नाम इशिता जैन है, आप यहाँ किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स में है, ये तिबारिया में स्थित है जयपुर में, राजस्थान में, और हमारे पास सारी गिर गाय हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास करीबन 100 गिर गाय हैं। आपकी जो एजुकेशन है क्या है? जी मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और फिर उसके बाद मैंने MBA किया था। मुझे लगा तभी मैंने आपसे पूछा है जी कि आप हाईली एजुकेटेड हैं। हाँ जी। तो आप ये गोवंश जो पालने में कैसे रुचि रखते हैं आप? एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है इसमें, मेरे हस्बैंड ने 5 साल पहले ये स्टार्ट किया था फार्म, 5-5.5 साल हो गए हैं, और फिर जब हमारी शादी हुई उसके बाद से मुझे एकदम इंटरेस्ट आ गया, और उससे पहले से ही नेचर में काफ़ी ज़्यादा रुझाव था मेरा, तो उसके बाद से हम दोनों मिलके ही ये गौशाला को बहुत अच्छे से चलाते हैं और सब गायों की सेवा करते हैं। क्या विशेषताएं होती हैं, लोगों को नहीं पता, गिर नाम सुना है जी, खुद मुझे भी नहीं पता कि कितने इसके विशेषताएं हैं, थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारी भारत की कितनी नस्लें हैं जी। जो दो कैटेगरी होती है, एक होता है विदेशी गाय जो कि HF जर्सी होती है जी। और एक होता है देसी गाय, हमारी भारत की जो एक्चुअल नस्ल है जो पुराने ज़माने से जी, है जी। तो उसमें से एक नस्ल होती है गिर, ये गुजरात की नस्ल होती है, तो इनके काफ़ी डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, इसकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग होती हैं, जैसे कि आप देखें तो इनके जो कान होते हैं वो अंदर की तरफ घूमे हुए होते हैं, मतलब अंदर की तरफ आप एक सिक्का रख दें तो वो आप रख होल्ड सकते हैं, होल्ड हो जाएगा। आप अगर इनके सींग देखें तो ये कान से छू के जाने चाहिए, इनका जो माथा होता है मस्तिष्क अगर आप देखेंगे तो वो उल्टे मटके की तरह आपको दिखेगा। इनकी हम्प की मैं बात करूँ तो वो 90 डिग्री बनाना चाहिए विद द बैक, अगर मैं और डिटेल में जाऊँ तो, और इनका जो ड्यूलैप होता है अगर आप देखें तो गले से शुरू होकर लटका हुआ, हाँ जी जो लटका हुआ होता है वो पूरा नीचे तक पीछे तक जाता है जी, तो वो पूरा हवा में होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे आप पहचान सकते हैं, असली गिर की पहचान आप कर सकते हैं। इनके अगर मैं और डिटेल में जाऊँ तो जैसे अगर आप इनका थन देखें तो ये काफ़ी टाइट और फिट होना चाहिए, अगर किसी को लेनी है गाय या उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से गाय लेनी है, मिल्किंग के हिसाब से कैसी गाय लें, तो उनके जो थन होते हैं वो टाइट और फिट होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंट पे होने चाहिए इनके टीथ्स, और मिल्क वेन चेक करनी चाहिए कि अच्छी मोटी मिल्क वेन है इनकी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये असली गिर है। मैडम मिल्किंग कैसी है गिर गाय की? गिर गाय की मिल्किंग एवरेज में 5-6 लीटर्स मिल्क रहता है, मतलब आप एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा मिल्क मिलेगा तो ऐसा होता नहीं है। आप बहुत लोगों के यहाँ देखे होंगे कि हमारी गाय तो इतना दूध देती है, इतना दूध होती है, वो पॉसिबल नहीं होता, वो एक बार चलो दे दी हो जी। पर अदरवाइज़ आप देखें तो कि इतना ही रहता है। वही है जैसे सोना है, कम मात्रा में पाया जाता है तभी उसकी वैल्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो कम प्रोडक्शन है उसी वजह से उसकी वैल्यू है। हाँ जी, मतलब एक प्यूरीफाई होके इसका जो है A2 मिल्क बोलते हैं, A2 मिल्क बोलते हैं, ये A2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन गायों में A2 प्रोटीन पाया जाता है इनके दूध में जी। जर्सी HF के दूध में A1 प्रोटीन होता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इनके दूध में A2 प्रोटीन होता है, इसलिए इनकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए ये सोने से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका ये मॉडल है जी, ये ब्रीडिंग मॉडल है? हाँ जी, हम पूरा संवर्धन पे ही काम करते हैं, मतलब नस्ल सुधार पे आप काम? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मेन एजेंडा ही वो है। घी दूध ये सब बाय प्रोडक्ट्स है, बट असल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस नस्ल को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें इसके बारे में। नस्ल सुधार के लिए बुल का बहुत इम्पोर्टेंस है, जितना टोटल गायें उतना ही वैल्यू बुल की भी है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी ज़्यादा वैल्यू कहेंगे आप बुल की, तो बहुत अफकोर्स वैल्यू रहती है क्योंकि बुल से ही आगे की जनरेशन बेटर बन सकती है, तो बुल तो आपका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। बुल से मैंने इसलिए जिक्र किया कि आपके पास जो बुल है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए। बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एक ब्रीडिंग बुल है राज, तो राज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमने भावनगर से ही लिया था, भावनगर ब्लड लाइन का है,
और इसके रिजल्ट्स अब हम देख रहे हैं, इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं इनकी, इसके जो रिजल्ट है उनका दूध इतना अच्छा आ रहा है और खूबसूरती में भी इतने अच्छे हैं, और जैसे कि आप राज को भी देखें तो उसका प्रॉपर बिल्टअप है और प्रॉपर एकदम आप प्योरिटी वाइज बोल पाएंगे कि हाँ भाई ये अच्छा गिर बुल है। मैडम एक बुल की क्या कॉस्ट होती है अच्छे बुल की, जैसे आपके पास है? जैसे हमने ये बुल तो 7.5 लाख का लिया था। 7.5 लाख? हाँ जी मैडम, ट्रैक्टर आ जाता है इतने में, गाड़ी आ जाती है एक अच्छी खासी, पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप बुल तो कोई मतलब इसकी कोई वैल्यू आप प्राइसलेस होता है। इसलिए किया है कि लोगों को वैल्यू पता लगे कि बुल की क्या कीमत होती है। जी वही, और होता यह है कि जैसे आप हमारी गौशाला में देखें, हम संवर्धन पे काम करते हैं, तो जितने भी हमारे मेल काफ्स भी होते हैं तो वो इतने अच्छे होते हैं कि लोग ब्रीडिंग के लिए ले सकते हैं उन्हें, बिल्कुल लोग लेके भी जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो राज के ही है ना? एग्जैक्टली, तो उसके वो भी हमारे, ऐसा नहीं रहता है कि हम मेल काफ्स को कहीं पे भी छोड़ दिए या उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम उनको भी बहुत अच्छे से पालते हैं बड़ा कर। बुल जब चुनते हैं तो ये देखते हैं कि बुल की जो मदर थी जी वो कितना दूध देती थी। हाँ, उसी हिसाब से कि आगे यही जेनरेशन यही जीन्स लेके जाएगा। जी जी, तो जी इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड था? इसकी माँ का अराउंड 20 लीटर्स था। 20 लीटर? 20 लीटर एक दिन का। तो गिर में अगर 20 लीटर है तो एक एक एलीट क्लास में आ गई ना वो। हाँ मतलब ये एक्सेप्शनल हो गया, आई वुड से एकदम ही ज्यादा 20 लीटर्स, वरना जैसे कि मैंने आपको कहा जनरल में इतना होता है नहीं। मैडम आपने कहा कि हम बाय प्रोडक्ट के तौर पे अपना ये चीज़ें बनाते हैं, घी और दूध जी, मेन आप जो मिल्क है अपने काफ को पिलाते हैं। हाँ जी, हम दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि दो थन का तो काफ को ही दे दूध, क्योंकि हाँ। तभी तो हम जब नस्ल सुधार पे काम ही कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को पूरा उनका हक दे दूध का। मैडम तो मुझे तो पता है क्योंकि गाँव में पैदा हुआ हूँ, गाँव में पला हूँ। जब हम छोटे होते थे तो दो थनों का पिलाया जाता था, जब बच्चा चारा खाने लगता था तो एक थन का देते थे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उसको नहीं पिलाएंगे तो नस्ल सुधरेगी कैसे? हम बच्चों पे ही ध्यान नहीं देंगे तो ये तो। तो आप बचे हुए दूध से क्या करते हैं? हम बचे हुए दूध का, हमारा दूध थोड़ा क्वांटिटी में सेल होता है जयपुर में जी, और बचे हुए दूध का हम वैदिक प्रोसेस से घी बनाते हैं जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वैदिक प्रोसेस मतलब हम पहले पूरे दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका बिलोना करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, मतलब 3:30 से 5:30 रात। हमारी अम्मा भी वही, सुबह हम सो के भी नहीं उठते थे उस समय, बिल्कुल बिलोना। हाँ जी, और फिर उससे जो मक्खन अलग होता है वो हम कंडों के ऊपर मिट्टी के बर्तन में गरम करके, हाँ जी, जिसको हारा बोलते हैं या कई लोग बरोसी भी बोलते हैं, उसमें गरम किया जाता है धीमी आंच पे। जी धीमी आंच पे, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं उस वजह से और इनहांस होते हैं, तो ये क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो न्यूट्रिएंट्स उसके सबसाइड हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा दूध आपका जो आप सेल करते हैं वहां पे पैकिंग में करते हैं लूज करते हैं? नहीं नहीं, हमारा रॉ मिल्क जाता है ग्लास बॉटल्स में। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना, ग्लास बॉटल में। हाँ जी 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 जी। पैकिंग क्या होती है? पैकिंग ग्लास की, कांच की 1 लीटर की बॉटल होती है। हाँ जी। और किस रेट में आप सेल करते हैं? तो हमारा दूध जाता है जयपुर में 125 रुपए लीटर में, पर ये प्रोबेबली जयपुर का सबसे कॉस्टली होगा, पर ये है भी इसलिए क्योंकि ज़रूरी है ये रेट रखना। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि लोग समझ नहीं पाते हैं, आपके पास सोना है सच में तो आप कैसे कम रेट में दे सकते हैं? मैंने 150 रुपए लीटर में खरीदता हूँ, बिल्कुल तो मिल्क मेरे घर में आता है, समझते हैं, हेथा डेयरी से आता है। हाँ, आपने सुना होगा हेथा डेयरी का नाम जी, जी। वो जो है रावत जी, असीम रावत हाँ, जी वो मेरे फ्रेंड हैं, वो डायरेक्ट मेरे घर भिजवाते हैं और वो 150 रुपए लीटर होता है जी। तो आप तो समझते हैं इसकी वैल्यू। मैं समझता हूँ तभी मैं ले रहा हूँ। हाँ जी जी। अच्छा जो घी है वो पैकिंग कैसे होती है, थोड़ा सा हमारी, आप हमारे दर्शकों को वो दिखाइए। बिल्कुल, हमारी घी की पैकिंग मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं वो 1 लीटर के जार में होता है और 1/2 लीटर के जार में होता है जी। तो जो हमारा 1 लीटर का जार है उसकी कीमत है 3,000 रुपये पर लीटर जी। और छोटा 1/2 लीटर का है वो है 1,600 रुपये पर 1/2 लीटर। तो आप किसी को रिक्वायरमेंट होती है कैसे भेजते हैं उसको? हम उनको होम डिलीवरी करते हैं, पूरे ऑल ओवर जयपुर तो जाता ही है, प्लस हमारे ऑल ओवर इंडिया जाता है घी, हम कुरियर करते हैं और हमारा एक्सपोर्ट भी होता है घी।
देखिए आप वैदिक रीति से तैयार करते हैं, लेकिन किसी भी चीज की गुणवत्ता के लिए उसके लिए जो ये खा रही है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। हाँ जी जी, तो जी। थोड़ा सा आप इनको फीड में क्या देते हैं इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हमारे फार्म पे ही ऑर्गेनिक फॉर्डर लगा हुआ है, हरा चारा, तो उसमें हमने रचका लगाया हुआ है, हम नेपियर देते हैं गायों को, हम मोरिंगा देते हैं, वो काफी अच्छा होता है गायों के लिए, हम ज्वार देते हैं, मक्का, गेहूं का दलिया ये देते हैं, और हम जड़ी बूटियाँ भी देते हैं जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा और आंवला देते हैं, हल्दी देते हैं, ये सब काफी अच्छा होता है गायों के लिए। मतलब तो आप गोपालक के साथ साथ वैद्य वाला भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो जरूरी है क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होगी तो बीमारी नहीं। हाँ जी बिल्कुल, ये तो है जी। अच्छा मैडम, मैं देख रहा हूँ ये शेड बना हुआ आपका जी। काफी बड़ा फार्म है। हाँ जी। ये कितने लैंड पे बना हुआ फार्म? ये हमारा 20 acres में है। 20 acres? हाँ जी। अपना है? अपना है पूरी लैंड। इसमें एक बहुत अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ आपका चिलिंग प्लांट भी है। हाँ जी, हमारा आप पैकेजिंग प्लांट भी है जी, आपका जी। तो इन्वेस्ट कितना किया आपने? तो अगर मैं लैंड को एक्सक्लूड करूँ तो यहाँ पे 1.25 crore का इन्वेस्टमेंट हुआ है सब चीजों में जी। अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें, गायें देखें और पूरा हमने जो भी चिलिंग प्लांट सब कुछ है तो उसमें। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ आपने रेट डाली हुई है। हाँ, सबसे अच्छा है इनके लिए, जैसे हम लोगों के लिए गद्दा होता है। हाँ, ये इनके लिए नेचुरल बेड लगाया हुआ आपने। Exactly. एक तो इसमें अगर ये पेशाब भी करेंगी तो बैठ जाएगा, गीला नहीं रहेगा। बिल्कुल, गीला होगा तो पशु बीमार होता है। हाँ जी, होता ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ मिल्किंग के टाइम पे, जो कि सुबह 3:30 बजे और दोपहर में 3:30 बजे, उसी टाइम पे गाय बंधती है जी। और उनकी फीडिंग होती है और बाकी टाइम यहाँ पे पूरे में गाय खुली रहती है। तो मैडम ओवरऑल जो ये आपका आपने गोवंश पाला हुआ, हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा आपको ये करके? मतलब इससे सेटिस्फैक्ट्री काम और कोई नहीं है। आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, इससे सेटिस्फैक्ट्री काम कोई नहीं है। आपको मन की खुशी और शांति, जो लोगों को सबसे जरूरी होती है, वो आप यहाँ के महसूस कर सकते हैं। आपको भी डेफिनेटली लग रहा है। मैडम मेरी खुद की इच्छा है कि मैं एक गिर की बछिया से शुरुआत करूँ। बछिया मैंने इसलिए कहा कि इमोशन जुड़ते हैं जब आप उसको छोटे से पालते हैं, तो बड़े होते होते आपको लगता है कि आप एक बेटी को पाल रहे हैं। वैसे तो गौ माता है, लेकिन जब आप उसका पालन पोषण करते हैं एक पिता की तरह से करते हैं, और फिर जब वो बड़े हो जाती है वो गाय आपको पालती है जी, वो अब फिर हमारी वो माता हो जाती है। दर्शकों, इशिता जी ने आपको अपने डेयरी फार्मिंग के बारे में, जो कि इन्होंने गिर गायों की डेयरी की हुई है, उसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। तो अगर आप घी ऑर्डर करना चाहेंगे तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको और जानकारी चाहिए, हमारा फार्म अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप किनाया ऑर्गेनिक फार्म्स यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं।